मम्मा टैट है। मैम दिखाओ शॉट। तो यहाँ पर ये मैं लेने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो ये मॉर्निंग का टाइम है और हमेशा कभी कभी ऐसा होता है जो मैं मॉर्निंग में गैस साफ़ कर किचन में काम नहीं करती, लेकिन रोज़ का मेरा ये रूटीन जल्दबाजी जिस दिन होती है उस दिन नहीं कर पाती सफ़ाई, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा टाइम होता है उस दिन मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद से खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा गैस को क्लीन कर रही थी, उसके बाद से मैंने दर्श का बनाया था लंच। आज मैंने दर्श को दिया था पराठा और उसमें बेसन के पकौड़ी को मैश करके, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फेवरेट है उसका, तो वो मैंने उसको दिया था। और ब्रेकफास्ट में भी उसने रोटी और बेसन ही खाया था, बहुत ही फेवरेट है उसका, ईजी भी है और फेवरेट भी है। तो यहाँ पर मैंने गैस को पूरा क्लीन कर लिया, किचन को पूरा क्लीन कर लिया और उसके बाद से ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था गोभी का पराठा। तो आज गोभी का पराठा खाने का मन था दर्श के पापा का, तो मैंने यहाँ पर गोभी का पराठा प्रिपेयर किया। आप देख सकते हैं अब तो गर्मी इतनी आ गई है ना गाइस कि ना किचन में पसीना, बाप रे बाप, जितना पसीना फेस पर आता है उतनी ही मेरे फेस पर ईचिंग होती है। किस किस को है ये प्रॉब्लम कि पसीने के साथ ईचिंग स्टार्ट होती है, और ईचिंग स्टार्ट होता है तो फेस पे फिर पिंपल्स जैसे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। और पता है आप स्वेटिंग आती है ना तो एकदम से आप फेस पे पानी भी नहीं डाल सकते, फिर वो मेरा फेस स्वेलिंग करने लग जाता है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। ठंडी है तो ठंडी क्यों है, उसमें काम करने का मन नहीं करता। गर्मी है तो भैया गर्मी ही है, मतलब इंसान को कहीं भी चैन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने गोभी को घिसकर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और साथ में मैंने गोभी में डाला था प्याज लहसुन, और मसाले में मैंने मीट मसाला लिया था, नमक डालकर अच्छे से मिलाकर, और मैंने प्रिपेयर कर लिया था यहाँ गोभी का पराठा। तो चलिए बना रहे हैं और देखते रहिए आप गोभी का पराठा कैसे बन रहा है। बाद से 10 बजे तक मैं हो गई थी फ्री, और छोटू जब से गया था तब से प्लांट्स में मैंने पानी नहीं डाला था, क्योंकि मैं देवांश के साथ पाइप लगाकर प्लांट्स में पानी नहीं डाल सकती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये परेशान करता मुझे, इसलिए मैं बाल्टी में पानी भर भर के ला रही थी और प्लांट्स में मैंने पानी दिया। थोड़ा बीच में मौसम अच्छा हो गया था, बारिश आ गई थी, इस वजह से प्लांट्स में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन तो आज तो बिल्कुल ज़रूरत थी ही डालना, कैसे भी, क्योंकि आज तो मंडे है और हर मंडे में पाइप लगाकर प्लांट्स में पानी डालती हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जैसे रोज़ मुझे नीड होती है खाने की, वैसे इन प्लांट्स को भी नीड है हमें पानी देने की। गर्मियों में तो दो दो बार हमें पानी देना चाहिए प्लांट्स में, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझे, बट मेरे को जितना मैं कर पाई उतना मैंने 3-4 बाल्टी लाकर सारे प्लांट्स में पानी दिया। और देवांश का देखो रोना एक मिनट के लिए नहीं रुक रहा, परेशान में परेशान कर देता है यार, कह रहा है मैं ही पानी दूंगा हर चीज़ में, लेकिन मैंने कैसे किसको शांत कराया। फिर इसका दिमाग ऐसा चला गया फटाफट से ये वाइपर लाने, और फिर इसने सारा पानी वाइपर से खींचने में लगा दिया। मैंने कहा यार कैसे भी तू बस शांत रहे, मुझे काम करने दे। तो मेरे पास प्लांट्स 20 से ज़्यादा हैं, और मेरे 20 से ज़्यादा प्लांट में आप समझ रहे ना, हाफ हाफ बाल्टी पानी ला के मैंने डाला था, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट कोई बात नहीं, ये भी मुझे आशीर्वाद देंगे एक दिन, इनका आशीर्वाद भी मुझे लगेगा। तो अभी बज रहे हैं 4 और लंच वगैरह करके नहा वहा कर मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो अब दर्श के हो गया है ट्यूशन का टाइम, तो मैं जा रही हूँ दर्श को छोड़ने, और उधर से फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे, डांस भी जाएगा, और फिर हम थोड़ा सा वॉक करके और तब घर में आएंगे। तो गाइस दर्श को हमने छोड़ दिया है और देवांश और मैं जा रहे हैं अमर कॉलोनी घूमने, है ना, अमर कॉलोनी मार्केट जा रहे हैं घूमने। आप देवांश को देख सकते हो, अरे यार, और आज धूप भी कल जैसी ही है, लेकिन हवा में थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में,
क्या बोल रहे थे आप? मम्मा टाटा। मैं मम्मा नहीं कटिंग कराएगी। हाँ मम्मा दूर मैं नहीं कराए। आपकी कटिंग कितनी बार होती है एक दिन में? ये अच्छी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा अमर कॉलोनी मार्केट, जो एकदम स्टार्टिंग में आपको दिखेगा स्टैंडर्ड, जहाँ आपको नमकीन, खाने की चीज़ें, बिस्किट वगैरह ये सब मिलेंगे। तो हम चलेंगे आज स्टैंडर्ड में। ये देखिए पहले से स्टैंडर्ड कितना बढ़िया बन चुका है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी बेकरी की शॉप जो है एंजल बास्केट, एंड यहाँ पर फोटोग्राफ की कोटेक, और उसके बाद जो भी खाने पीने का स्टार्ट हो जाता है यहाँ। चलो यहाँ यहाँ पर हम एंट्री करेंगे अब स्टैंडर्ड में। चलो लो। हाँ क्या लेना है? हाँ जूस। जूस यहाँ पर अभी देखते हैं, पहले इधर आओ, यहाँ से ये ले ले, ये वाले बिस्किट ले ले, ये वाले नहीं, ये नहीं 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 ले लेते हैं ना। नहीं टेस्टी है। तो यहाँ पर ये मैं लेने आई हूँ जीरा वाले बिस्किट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं जीरा बिस्किट, और पिस्ता बेसन अभी देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पर डिलीशियस डिलीशियस कुकीज़ हैं। देवांश चलो वहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर जीरा बिस्किट ले लिया है, और रस्क रस्क भी ले ले, रस्क ले ले देवांश। और क्या लेना है? और कुछ भी लेना है? चलो फिर इधर से, इधर आ जाओ, इधर इधर। उसके बाद से यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं। कहाँ पर? नहीं इधर से आओ, ये देखो अच्छा लग रहा है आपको? ओके। बिस्किट है। आपको क्या लेना है? बिस्किट नहीं खाओगे? क्या खाओगे? नहीं वो गिर जाएगा फिर, भैया मारेंगे, भैया मारेंगे। चलो आओ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो बाय। नहीं इधर आओ, इधर 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 आओ, दिखाओ। शर्ट नीचे करो, शर्ट नीचे करो, शर्ट नीचे करो, शर्ट नीचे करो। देखो बैड मैनर्स है ये तो। मैं बात नहीं करूँ, चिप्स, मिर्ची प्लेन, वेफर, लड्डू पट्टी, बिस्किट यही है। तो गाइस यहाँ मैंने लिया है बेसिल स्वीट ड्रिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बोला अच्छा है, थम दिखाओ, बहुत टेस्टी है ना। हवा चल रही है, जल्दी पियो, जल्दी शैतानी नहीं करना, जल्दी पियो, ठीक है? क्या ऑटो से कहाँ जाना है? हाँ ऑटो से कहाँ जाऊँ? ऑटो से कहाँ जाना है ये तो बता। नहीं कहाँ जाना है ये तो बता। नहीं नहीं रोड पे घूमना है, रोड पे घूमना है, ऐसा है। मैं जा रही हूँ घर में। नहीं
घूम काली रोड पे। चलो खोल ले। हाँ बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। कहाँ जाना है इस टाइम? कहाँ जाना है इतनी गर्मी में? कहाँ जाना है? ऑटो से कहाँ जाना है? शाम के बाद अब व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइव आ गई थी तो मैंने चाय वगैरह सारी पी ली थी। अब बज रहे हैं 9। थोड़ा सा काम करती हूँ किचन में, उसके बाद से बनाएंगे रात का डिनर, देन आगे फिर आगे शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर और व्लॉग को पूरा देखिएगा। पापा को भेज दे, दर्श जल्दी इधर आ, ये फेंकाएगा थोड़ी। गाइस तो आज का ब्लॉग बन चुका है और मैं जा रही हूँ अपलोड करने। देवांश मुझे पूरा दिन बहुत परेशान करता है, लाइव में भी आप लोग देखते होंगे ये मुझे कितना परेशान करता है, बट कोई बात नहीं, बात पहले इसकी सुन लीजिए आप। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ब्लॉग को यहाँ पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ हाँ बाय। हाँ।